दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम मंडी करीब 75 दिन के लॉकडाउन के बाद सेवा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। निगम पहले चरण में लोगों का रिस्पांस देखने के लिए 40-50% ही बसें चलाएगा। इसमें मंडी डिपो, शिमला, मनाली, कुल्लू सहित समस्त लोकल रूटों पर बसें चलाकर लोगों को सुविधा देगा। इस बाबत रविवार को आरएम मंडी ने मंडी बस स्टैंड पर करीब 150 चालक परिचालकों को बस चलाने व कोरोना वायरस से बचाव के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समस्त चालक परिचालकों को सुरक्षा किट भी वितरित की। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट और बफर जोन में बसों को नहीं रोका जाएगा। बसों में बैठने के लिए जगह होगी तो ही सवारियों के लिए बसों को रोका जाएगा। एक गाड़ी में 60% सवारियां ही बिठाई जाएंगी। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही बसें चलेंगी। ग्रामीण रूटों पर चालक परिचालकों के खाने की व्यवस्था स्थानीय पंचायत प्रधान करेंगे। मार्च 24 के बाद हमारा ऑपरेशन बंद हुआ था और इसका कारण था पूरे विश्व में महामारी का फैलना और उसका जो प्रभाव था वो मार्च के बाद हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के हिस्से में इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। लोगों की सेफ्टी के लिए सरकार ने निर्णय लिया था कि सारे कारोबार ठप कर दिए थे और लॉकडाउन शुरू हुआ था। सबको ये कहा गया था कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप जानते हैं और उसकी वैक्सीन आने को शायद 1-7 लग सकता है, जैसे कि हम सूचना सुन रहे हैं। पूरे विश्व में वैज्ञानिक्स में लगे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में। थोड़ा सा संयम, सावधानी, इसको हमको बनाना पड़ेगा। लगभग 75 दिनों के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हिमाचल में शुरू किया जाए। और आप जानते हैं कि तो निश्चित तौर पर हमने विश्वास करके निर्णय लिया है कि हमारे जो मैं गोपाल शर्मा, क्षेत्र प्रबंधक HRTC मंडी। जैसा कि हम सब जानते हैं, लगभग 75 दिनों के बाद हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2020 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें इंटर स्टेट को छोड़कर के पूरे हिमाचल में आवाजाही होगी बसों की, और इसमें गाइडलाइंस जो हमको दी गई है उसके मुताबिक हम बस को सैनिटाइज करने के पश्चात उसका प्रस्थान बस स्टैंड से करेंगे। जो हमारा स्टाफ है उनको सेफ्टी किट्स भैया हमने करवा दी है और गाइडलाइन के मुताबिक प्रत्येक बस में 60% सवारी बैठ पाएंगी और पूरे बस स्टैंड हमारे जो हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन भी हमारी मदद करेगा, जैसे गाइडलाइन में निर्देश हैं। हमारा एक एंट्री गेट होगा मेन बस स्टैंड पे, दूसरा एग्जिट गेट होगा। एंट्री गेट से आने वाले हर व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस और मेडिकल की टीम हमारे साथ तैनात रहेगी और उस स्कैनिंग करेंगे। उसमें हमारे स्टाफ की स्कैनिंग होगी, जो एंट्री बस स्टैंड में सवारी करना चाहेगी उसकी एंट्री होगी, ताकि सबका परीक्षण होने के पश्चात ही उनको हम पार्टी में बिठा सकें। और इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि हम मैक्सिमम जो लोकल रूट्स हमारे बंद पड़े थे उनको चलाया जाए, लोगों को सुविधा दी जाए। लेकिन कुछ एक रूट्स ऐसे थे जिसमें हमारे स्टाफ को वहाँ की स्थानीय जनता पहले खाना खिलाती थी, शेल्टर देते थे, लेकिन इस महामारी के चलते अब उनका क्या रवैया रहेगा देखने वाली बात होगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ के प्रधान से भी कि वो हमारी मदद करें और हमारे स्टाफ के खाने का बंदोबस्त करें, ताकि हम लोगों को एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। हिमाचल में अदर डिस्ट्रिक्टों में भी HRTC की बस जी बिल्कुल पूरे हिमाचल में गाड़ियों की आवाजाही सामान्य होगी। जिसका रूट जहाँ का है, जैसे मेरा एक बस में शिमला चला रहा हूँ, मेरा कुल्लू रूट मनाली मेरी बस भी जाएगी, तो पूरे हिमाचल विदिन हिमाचल कोई प्रॉब्लम नहीं और बसें चलेंगी विदिन हिमाचल। जैसा 60% से कम सवारियाँ बस स्टैंड से बैठ के, तो आगामी रूट में सवारी जी रास्ते में जितनी सीटें खाली बची उतने बिठाएंगे, जितने उतर के खाली तो अगले स्टेशन उतने उठाएंगे। जी सर,